देवभूमि हिमाचल प्रदेश में निर्धन परिवार से संबंधित बुजुर्ग छोटा राम 12 वर्षों से अपनी भूमि को तकसीम यानी अन्य भूमि के हिस्सेदारों से विभाजित करवाने के प्रति राजस्व विभाग के अनेक चक्कर लगा रहा है। पीड़ित छोटा राम का कहना है कि 10 माह पूर्व उसने श्री नैना देवी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के रानी कोटला में आयोजित हुए जनमंच कार्यक्रम में अपनी समस्या उठाई थी, जहां पर उसे संबंधित अधिकारियों ने मंत्री के सामने आश्वासन दिया था कि उसकी समस्या का निवारण मात्र 10 दिनों के भीतर राजस्व विभाग कर देगा, मगर इसके विपरीत धरातल पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। शायद आपको आश्चर्य होगा कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में निर्धन परिवार से संबंधित बुजुर्ग छोटा राम के साथ ऐसा भी अन्याय हो सकता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। 12 वर्षों से राम अपनी भूमि को तकसीम यानी कि अन्य भूमि के हिस्सेदारों से विभाजित करने के प्रति राजस्व विभाग के चक्कर काट रहे हैं, मगर उनके निर्धनता उनके सामने आड़े आ रही है, क्योंकि जिन परिवारों से उनकी भूमि पूरी होगी वे धनाढ्य हैं और पहुंच वाले हैं, ऐसे उसकी कोई भी पुकार नहीं सुन रहा है। छोटा राम का कहना है कि जनमंच कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक अच्छी पहल शुरू की थी, मगर निर्धन लोगों की समस्याओं का निवारण उसमें भी नहीं हो पा रहा है। पीड़ित छोटा राम का कहना है कि 10 माह पूर्व उसने श्री नैना देवी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के रानी कोटला में आयोजित जनमंच कार्यक्रम में अपनी समस्या भी उठाई थी, जहां पर उससे संबंधित अधिकारियों ने मंत्री के सामने आश्वासन दिया था कि समस्या का निवारण मात्र 10 दिन के भीतर राजस्व विभाग कर देगा, मगर इसके विपरीत धरातल पर आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो है ना ईरान कोटला में, तो उसमें गया था मैं और एक साल हो गया, 10 महीने आया था। जनमंच में कौन आए थे? बिंदल जी। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि तहसीलदार साहब खड़े हो तो पूछो भी कितने दिन में होगा काम। उन्होंने कहा था कि 15 दिन में मतलब कर देंगे। मैं जी अगर नहीं करे तहसीलदार तो सरकार बैठी है। आप मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से क्या चाहते हैं? ऐसे चाहते हैं कि मेरी प्रार्थना उनके पास है, अभी आपने बहुत अच्छी स्कीम चलाई है और प्रशासन जो काम नहीं कर रहे हैं। पीड़ित छोटा राम को न्याय दिलवाने के प्रति युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आशीष ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि शीघ्र छोटा राम की समस्या को हल किया जाए। इसके अलावा तय किया जाए कि इतने लंबे अरसे तक छोटा राम की शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आशीष ठाकुर, महासचिव हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस। हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें जुखाला निवासी छोटा राम, जो कि बड़े ही निर्धन परिवार से संबंध रखते हैं, उनका एक छोटा सा कार्य पिछले 12 साल से अधर में लटका हुआ है। उनकी जमीन की तकसीम होनी है। 12 साल से वो कभी सरकार के दरवाजे खटखटा रहे हैं, कभी वो प्रशासन के दरवाजे खटखटा रहे हैं। इससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि पिछले साल जो श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जनमंच कार्यक्रम प्रदेश सरकार द्वारा करवाया गया था, जिसमें आदरणीय द्वाला जी वहां पर उपस्थित रहे थे, जब छोटा राम जी की बात द्वाला जी से हुई थी तो द्वाला जी ने छोटा राम को आश्वस्त करवाया था कि एक हफ्ते में उनका कार्य होगा। उन्होंने अधिकारियों को भी आदेश जारी किए थे, पर बड़े ही शर्म की बात है जो ये प्रदेश सरकार आज जनमंच चला रही है वो क्या सोच के चला रही है। जनमंच मात्र लोगों को ठगने का काम हो रहा है। मेरा प्रदेश की सरकार से और जिला प्रशासन से मांग रहेगी कि जल्द से जल्द छोटा राम को न्याय दिया जाए और उनकी जमीन की तकसीम करवाई जाए।